स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो एसिड और बेस के बारे में। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका था और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये एक नया टॉपिक है जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट के जितने भी वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं, बोथ ऑफ इंक्लूडेड 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास, तीनों क्लासों के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए थे, है ना। और इन वीडियोज में आपने अच्छी तरीके से स्टडी की होगी, होमवर्क किया होगा, लर्न किया होगा, जो भी करना है। अगर गलत हो जाता है तो उसे रफ में कीजिएगा, यानी कि आपको पहले रफ में ही करना है, जो गलती होगी आपकी रफ में होगी, इसके बाद उसे अच्छी हैंडराइटिंग में लर्न करके फेयर में करना है। स्पाइरल रजिस्टर, तीनों क्लास, बोथ ऑफ 6th, 7th एंड 8th, तीनों क्लास के स्टूडेंट्स स्पाइरल स्प्रिंग वाला रजिस्टर कोई नहीं बनाएगा। आपको जॉइंटेड रजिस्टर बनाना है, जैसा कि नॉर्मल बनाते आए हैं। स्पाइरल कोई नहीं बनाएगा, इन फ्यूचर वो रजिस्टर आपके फट सकता है, ठीक है। सो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। एक बार और आप सभी बच्चों से आई वांट टू सी टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड ऑफ बोथ ऑफ 6th, 7th एंड 8th क्लास स्टूडेंट, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, ठीक है। तो आज के ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और एक बात और कहना चाहूँगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कर रखा दो जिसने आर नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ठीक है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी डेली की ट्रिक्स और जितने भी न्यू वीडियोज़ हैं साइंस से रिलेटेड मेथड्स हैं, वो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेंगे। और एक बेल का साइन दिख रहा होगा घंटी का, उस पर क्लिक जरूर कर दें, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। जैसा कि आप जानते हो, जो प्रकाश होता है यानी कि लाइट, सबसे पहले आता है लाइट, LIGHT, ये लाइट होती क्या है? लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट एक नेचुरल फिनोमिना बेटी, क्या है लाइट? एक यहां पर लिख रहा हूं, लाइट एक क्या है? नेचुरल फिनोमिना है जो हमारे क्या करता है, ऑब्जेक्ट, जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में हमारी हेल्प करता है। और लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा, जैसे कि सड़क पर कोई सीधी चलती हुई बस है या पटरी पर चलती हुई एक सीधी ट्रेन है, इसी तरीके से एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे, इसे क्या बोल सकते हैं कि लाइट अपीयर्स एज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लाइट अपीयर्स एज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बट इट डजंट ट्रेवल ऑलवेज इन लैटिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मेरा कहने का मतलब ये कि लाइट सीधी रेखा में गमन तो करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करे। वो कैसे, आपको बताता हूँ, एग्जांपल भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लिखें हेडिंग लाइट, लाइट के आगे लिखें, ठीक है, कि जो भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है वो हमें किसमें, लाइट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें लिखिएगा लाइट, ठीक है, इज अ, जरूरी नहीं है कि मैं पूरा थ्योरी लिख पाऊं कॉपी में, ठीक है, इसलिए मेरे वर्ड्स पर, मेरे लिरिक्स पर, मेरे शब्दों पर ध्यान देकर के होमवर्क करें, ठीक है, मेरे वर्ड्स को पकड़ें। और आपको लगता है कि राहुल जी सर थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन बता दूं, अपने यूट्यूब को ओपन करोगे, ऊपर की तरफ राइट साइड में दाहिने हाथ की तरफ ऊपर की तरफ जाइएगा तो तीन डॉट मिलेंगे आपको एक जैसी, ये इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करिएगा तो आपको प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेबैक स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो नॉर्मल, हाई एंड लो, तीन तरीके की स्पीड मिलेगी। नॉर्मल पे ऑलरेडी क्लिक्ड होगा तो आपको लो पर करना है, कम पे करना है उसको, कम पे करने से क्या होगा, जो यूट्यूब आप साइंस का वीडियो देखोगे मेरे, तो उसकी स्पीड थोड़ी धीरे चलती हुई नजर आएगी, उससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी, होमवर्क करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है, और बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, और एक बार में ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखें। दिन में 24 आवर्स का एक डे होता है, अ डे हैज कंटेंट 24 आवर्स, बट उसमें से अगर आपने बहुत सारा टाइम यूटिलाइज कर लिया, साइंस को दे दिया, तो आप मास्टरमाइंड बन सकते हैं इन फ्यूचर। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, इसलिए मेरे साथ कॉपरेट करें, प्लीज कॉपरेट विद मी एंड टेक केयर लाइट, ठीक है, देखिएगा। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, प्रकाश, लाइट इज अ नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। ये वीडियोस तीनों क्लास के स्टूडेंट 6th, 7th, 8th के लिए हैं, तीनों स्टूडेंट को होमवर्क में करना है। लाइट इज अ नेचुरल फिनोमिना, एक प्राकृतिक परिघटना होती है, फिनोमिना, लाइट इज अ नेचुरल फिनोमिनोन कर दो, फिनोमिना लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल फिनोमिना विच, ठीक है, हेल्प्स, विच हेल्प्स, HELPS, विच हेल्प्स अस
टू सी द ऑब्जेक्ट्स ओ बी जे ई सी डी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड ए आर ओ यू एन डी अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उनको देखने में हमारी हेल्प करती है। और सिक्स क्लास की स्टूडेंट के लिए हर वीडियो में मैं खासकर बोलता हूँ इंटेंशनली आई वॉन्ट टू इंडिकेट ओनली ऑन सिक्स क्लास स्टूडेंट जो फिफ्थ से सिक्स में प्रमोट हुए हैं खासकर वो। और बच्चे एक घंटे पढ़ते तो आपको कम से कम तीन घंटे पढ़ना है साइंस, ढाई से टू एंड हाफ एन आवर से थ्री आवर्स तक, ढाई से तीन घंटे, दो से तीन घंटे तक आपको साइंस ही साइंस पढ़नी है, जब जाके आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्योंकि आप फिफ्थ क्लास से प्रमोट हुए सिक्स में तो आपको एकदम से साइंस, सिक्स क्लास की साइंस थोड़ी हार्ड लगेगी, आपको ये लगेगा सर ये क्या है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो टेंशन मत करिए, मेरे साथ रहिए, कोऑपरेट करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एट एनी टाइम यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, बी चैट, टेलीग्राम, मैसेज, कॉलिंग, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम देना मतलब इसका मतलब ये नहीं है टेंशन ले, इसका मतलब है ज़्यादा टाइम दे और आप उनसे भी बेहतर कर जाएंगे, ठीक है। हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उससे क्या है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो किसी ऑब्जेक्ट पर आगे लिखिएगा व्हेन, ठीक है, लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु पर गिरती है, देन, ठीक है, डेट, देन डेट, ठीक है, आगे की क्या लिखिएगा, देन डेट ऑब्जेक्ट जो है लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो देन डेट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब्स, ठीक है, सम कलर ऑफ लाइट, लाइट का कुछ कलर, सम कलर ऑफ लाइट, लाइट का कुछ, आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन के ओपन होने के बाद, ठीक है, आई वुड आस्क स्ट्रिक्टली, आई वॉन्ट टू से स्ट्रिक्टली, आई सी टू ऑल ऑफ सिक्स सेवंथ एट्थ क्लास स्टूडेंट विद स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, मैं पूछूंगा आप लोगों से ये जो पढ़ रहे हो आप ऑनलाइन, ये मैं आपसे पूछूंगा कलर ऑफ लाइट, ठीक है, कुछ लाइट का ऑब्जर्व कर लेता है एंड रिफ्लेक्ट सम ऑफ इट और कुछ का परावर्तन कर देता है, एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट सम ऑफ इट, कुछ का रिफ्लेक्शन हो जाता है। हमेशा ध्यान रख जाए जो रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्स का मतलब होता है परावर्तन यानी टकरा के वापस लौटना, एक वर्ड लिखा है रिफ्लेक्शन और यहां पर लिख रहा है परावर्तन, तो रिफ्लेक्शन का हिंदी में होता है परावर्तन और परावर्तन का मतलब है टकरा के वापस लौटना, यानी कि जैसे टॉर्च ले जाते हो ना आप अंधेरे में, टॉर्च ऑन कर दी, कोई ऑब्जेक्ट मुझे देखना है, जैसे मैंने यहां पर बना दी एक टॉर्च, ऐसे कर दीजिए लो अब तो क्लियर हो जाएगा, ये बना दी मैंने टॉर्च, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने टॉर्च, ठीक है, ये टॉर्च बना दी मैंने इस तरीके से, इस तरीके से टॉर्च बना दीजिए आप, बना दी टॉर्च और इसमें से मैंने सामने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, क्या रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बना दी मैंने टॉर्च, तो इस एक सेकंड ऑब्जेक्ट का थोड़ा ऊपर की तरफ बनाएंगे, ठीक है, आपको क्या करना है यहां से टॉर्च ऑन करोगे तो क्या होगा लाइट फैलेगी इस तरीके से, ठीक है, लाइट इसमें से लाइट निकलेगी, ठीक है, यानी कि लाइट जो है वो रेज की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये बढ़ रही है देख लीजिए आगे बढ़ रही है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उस ऑब्जेक्ट पर जैसे वो टॉर्च आप फोकस करते हो, रात में कोई चीज देखते हो टॉर्च में, तो आपको क्या होता है वो एकदम से उस इस लाइन जो ऊपर लिखी है इसका मतलब है कि उस टॉर्च या बोल सकते हैं लाइट का कुछ पार्ट तो वो क्या करता है एब्जॉर्ब, ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है सम कलर ऑफ लाइट, और जैसे कि ये बॉक्स रख दिया मैंने, बॉक्स को देखना अंधेरे में, और इस बॉक्स ने क्या किया कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां जाती है दिख रहा होगा, समझ गए होंगे डायग्राम से, समझ गए होंगे आप डायग्राम से क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप क्या बनाया मैंने, आइस, क्या क्या हो जाता है आइस, तो कुछ में क्या है वो हमारी आंख तक जाती है जिससे हम क्या उसे देख सकते हैं, ये डायग्राम आप बना सकते हैं कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं खुद से भी डायग्राम बना सकते हैं, समझने के तौर पर आप बना सकते हैं। आगे देखिए कि लाइट जब ऑब्जेक्ट से पास हो जाती है तो क्या होता है विदाउट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे लाइट पास हो जाती है, तो देखिए यहां बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए आगे लिखवा दूंगा, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट आर पार नहीं हो पाती है यानी कि वो सॉलिड हो सकते हैं ज्यादातर, जैसे ईंट, ब्रिक्स होती है, दीवार, लकड़ी, इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मार्बल्स, पत्थर, स्टोन्स, इस तरीके के ऑब्जेक्ट से लाइट आर पर नहीं निकल पाती है, इन्हें बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, वाटर
है ना, उनसे क्या होता है लाइट आर पार निकल जाती है, उन्हें बोलते हैं पारदर्शक। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता पारदर्शक, ओपेक का मतलब था अपारदर्शक, ठीक है। और एक और होता है ट्रांजुलेंट, टी आर ए एन एस एल यू सी ई एन टी, ट्रांजुल एल यू एस सी एन टी, ट्रांजुलेंट का मतलब होता है अपारभाषी या मतलब जो पारदर्शक होते हैं ना वो भी पारदर्शक की तरह ट्रांसपेरेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन बिहेव ट्रांसपेरेंट की तरह करते नहीं, कंप्लीटली नहीं करते। जैसे आपने कागज देखा, जैसे ये अभी कागज है, ये वाला एक ये एक पेपर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पेपर है तो इस पर क्या होगा, अगर ऑयल गिर जाए, इस पर ऑयल गिर जाए, ऑयल की दो तीन बूंद गिरा देता हूं मैं, तो यहां पर चिकनाहट हो जाएगी, ऑयली हो जाएगा वो। और आप ऐसे करके उस पेपर को देखोगे, इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से आप उस पेपर को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसमें से मैं रेस देखने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से रेस देखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, एक तो कम्प्लीटली दिखाई देगा, एक थोड़ा इनकम्प्लीट, ठीक है। जैसे खिड़की होती है ना, विंडो के ग्लास देखे होंगे, आपको दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, एक तो प्लेन ग्लास हुआ आर पार दिखने वाला, वो हो गया ट्रांसपेरेंट। एक हो गया आपको खिड़की का जो ग्लास होता है विंडो का, आपको दिख तो रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा, इनकम्प्लीट, या बोल सकते हैं पार्शियली, क्या बोल सकते हैं पार्शियली, ठीक है, पार्शियल फॉर्म में, पार्शियल फॉर्म में दिखता है, उसे बोलते हैं ट्रांजुलेंट। क्या बोलते हैं ट्रांजुलेंट, अपारदर्शक, अपारदर्शक नहीं बोल सकते हैं बट पारदर्शक की तरह होता है, ठीक है। तो एक हो गया ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरीके से आर पार, एक होता है ओपेक अपारदर्शक जैसे स्टोन है वुड है, एक होता है ट्रांजुलेंट, पार तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म में, इनकम्प्लीट फॉर्म में यानी कि पार्शियली लाइट पास आउट होती है, ठीक है। आगे देखिए लाइट का हमारे लाइफ में कई सारे यूज है, ठीक है। और आप एक चीज और लिख लीजिएगा इसमें, लाइट अपीयर्स एज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, नोट डाल करके लिखिए आप, ठीक है, नोट डाल करके लिखिए, लाइट एल आई जी एस टी लाइट अपीयर्स ए डबल पी ई ए आर, अपीयर्स मतलब प्रतीत होती है, लाइट अपीयर्स एज ट्रेवलिंग टी आर ए वी ई डबल एल आई एन जी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में, एस टी आर ए आई जी एस टी स्ट्रेट का मतलब सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन एल आई एन ई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट आगे लिखिएगा बट, ये नोट डाल करके लिखना है आपको, एन ओ टी नोट डाल करके लिखना है ये होमवर्क में, ठीक है, ठीक है। बट इट डज नॉट, क्या नहीं होती है, बट इट डज नॉट ट्रेवल टी आर ए वी ई एल, बट इट डज नॉट ट्रेवल ऑलवेज, हमेशा रेक्टिलिनियर उसमें नहीं होती पोजिशन में, ध्यान रखना, ठीक है, ऑलवेज। आगे क्या लिखोगे, इन रेक्टिलिनियर आर ई सी टी आई रेक्टिलिनियर एल आई एन ई ए आर, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट जो सिक्स क्लास में है उनकी राइटिंग, बहुत से स्टूडेंट्स की मतलब ज्यादातर स्टूडेंट की बहुत अच्छी राइटिंग है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की पुअर राइटिंग है, तो पुअर अपनी हैंड राइटिंग को क्लीन करें। जैसा कि मैं व्हाट्सएप पे होमवर्क चेक कर रहा हूं तो उसमें काफी आपके वर्ड्स मिस्टेक दिख रही है मुझे, बट आप उसकी प्रैक्टिस करें घर पे, अच्छे से अच्छी राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ठीक है, कम से कम करें, कम से कम क्या, बिल्कुल ही स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग नहीं हो तो उसको लर्न करें, प्रैक्टिस करें, बहुत टाइम है अभी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक होमवर्क में नहीं होनी चाहिए, खासकर सिक्स क्लास के स्टूडेंट, और सेवंथ और एट्थ के लिए भी बोल रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है उनके में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तो उनके में भी होती है, सेवंथ के जो स्टूडेंट थे लास्ट ईयर एट्थ में आए तो उनके भी हैंडराइटिंग में काफी प्रॉब्लम है। मैं हर किसी के नाम नहीं लेना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू इंडिकेट दोज स्टूडेंट्स विच हैविंग द पुअर राइटिंग्स, ठीक है, तो मैं उनको लड़ नहीं रहा, मैं उनसे कह नहीं रहा कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बट उनसे कहना चाहूंगा कि वो बहुत टाइम है अभी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस करें, ऑलवेज ट्रेवल इन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ लाइट। इसमें मैंने नोट में ये लिखवाया है आपको, लाइट अपीयर्स, लाइट हमेशा प्रतीत होती है सीधी रेखा में, इट डज नॉट ट्रेवल, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करे, ठीक है। आगे मैं आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स पढ़ाऊंगा, डायग्राम पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिफ्रेक्शन भी पढ़ाऊंगा, लेंस मिरर्स के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, थैंक यू, बाय बाय।